गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। अभी हम निकल रहे हैं शॉपिंग के लिए। अर्पित और आमिन गाड़ी में बैठ गए हैं और आपको भी हम साथ में लेके चल रहे हैं शॉपिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन। अभी सारे स्टोर में ईस्टर का माहौल दिखने लगा है। देख सकते हो आप, सारी बनी बनी वाली चॉकलेट आ गई है। सब जगह पे बनी आ गया है अभी तो, और ईस्टर एग भी आ गए हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे ईस्टर एग है हर तरीके से। अभी यहाँ पर देखो, सारे एक्सरसाइज की बहुत ही अच्छी एक्सेसरीज आ गई है। और साइकिल तो माई गॉड कितनी प्यारी प्यारी है, मुझे चलानी नहीं है वरना मैं तो ले लेती इसमें से कोई। हाँ, बस खेल कूद करते ही रहो। सारी चीज़ें हैं यहाँ पे साइकिल की एसेसरीज में जो आती है। अपने को जो अभी आप क्या ढूंढ रहे हो? पीछे, पीछे पीछे क्या है? अच्छा, ये सेलिब्रेशन का है सब यहाँ पे। तो कहाँ, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, चलो देखते हैं। हर्षित यहाँ पर आ गए हैं आमिन के लिए कुछ लेने के लिए। ये ट्रिपल कॉम्बो पैक है। हाँ, इसमें ब्लूटूथ हेडफोन है, हैंड्स फ्री है और स्पीकर भी है। हाँ, तीन तीन चीजें। हर्षित, मैं और हम दोनों यूज कर सकते हैं। स्पीकर आमिन के लिए, हेडफोन मेरे लिए और ब्लूटूथ और हैंड फ्री आम और पिक के लिए। हम तीनों का कॉम्बो मिल गया हमको। खोलनी है? हाँ, आमिन को देखो, धीरज ही नहीं है, यहाँ पर ही खोल के दे दो, घर तक जाना ही नहीं है ना। वाह, कितनी छोटी छोटी बस है ना। को बिन्ना, चलो बिन्ना ना को आने। वेरी गुड। हाँ, मैं कितना खुश हो गया वो देखो, छोटी छोटी कार देखकर। बस है, छोटी बस है ना। ओह वाओ, वाओ। फागुनी, हाँ, अब तक तूने क्या शॉपिंग किया? जो नहीं लेना था वो सब ले लिया है, अब जो लेना है वो लेने जा रहे हैं। ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। हाँ जी, हाँ। हम आ गए हैं वूलवर्थ में। आपको मैंने बहुत बार बताया है कि हमारे किराने की दुकान है, तो यहाँ से हम लोग सारा सामान खरीदते हैं। तो चलो आज भी शॉपिंग करते हैं। मैंने आपको बहुत बार बताया है, हम लोग हर हफ्ते यहाँ पे ग्रोसरी लेने आते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर ग्रोसरी ले रहे हैं। अर्पित और आमिन आगे आगे चल रहे हैं, मैं पीछे पीछे चल रही हूँ। क्या लेने हैं हमें? मैं बोल लिस्ट बोलने लगती हूँ। मेरा जॉब से कॉल आया है तो मेरे को फटाफट 5 मिनट में शॉपिंग करके निकलना है। अच्छा, तो मैं बाद में, चलो जॉब करती हूँ। यहाँ पर शॉपिंग में हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं अभी तो, और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग लिस्ट बना के लाते हैं, उस हिसाब से ले लेते हैं यहाँ पर। और चल रहा है शॉपिंग और अभी बिलिंग की तरफ जा रहे हैं हम। और फिर यहाँ पर बिलिंग कर रहे हैं और आमिन देख रहा है मुड़ मुड़ के उसकी कार वहाँ पर जो है वो। देखो उसको कार पे ही ध्यान जा रहा है अभी तो, और गाना भी गा रहा है। बट अर्पित को अभी जल्दी जल्दी नौकरी जाना है ना, बिल खत्म करके, इसकी वजह से हम लोग आज उसको कार में नहीं बिठाएंगे। आज यहाँ से फटोफट भागने वाले हैं हम नौकरी पे, क्योंकि अर्पित को अर्जेंट कॉल आया है। अभी शॉपिंग हो गई है ख़त्म, बिलिंग भी हो गया है और हम लोग जा रहे हैं अभी घर। जॉब पे हाँ, हम लोग जाएंगे जॉब पे। और आमिन के तो गाने चल ही रहे हैं। अभी शॉपिंग हो गया है ख़त्म, और बहुत ही फास्ट शॉपिंग करनी पड़ी क्योंकि अर्पित को उनकी नौकरी से कॉल आया था, इसलिए उनको अपने वर्क पर फास्ट जाना है अभी। तो हम, मुझे और आमिन को फटाफट वो घर पे उतार के चले जाएंगे। तो ऐसा है आज तो दौड़ा दौड़ी वाला कि मैं हूँ ऑन कॉल,
था मैं जॉब पे आज छुट्टी के दिन कि नया स्टाफ है तो उनको कोई दिक्कत हो तो मुझे जाना पड़ता है, और हमारा ये रूल है कि हॉस्पिटल में अगर आप कुछ काम करते हो तो कॉल आए तो आपको 20 मिनट के अंदर वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। अगर आप कहीं पे दूर रहते हो तो वो आपको एकोमोडेशन भी देते हैं हॉस्पिटल में, मगर मेरा घर तो सिर्फ 3 मिनट का रास्ता है हॉस्पिटल से, तो मैं तो 20 मिनट में पहुँच जाता हूँ। आज शायद 25 मिनट होंगे, 5 मिनट ज़्यादा होंगे, मगर उतना क्रिटिकल वर्क नहीं है तो चल जाएगा। और ये भी है ना कि मैंने भी बताया था कि अर्पित वहाँ पर सीनियर स्टाफ है ना, इसलिए थोड़ी ज्यादा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें सीनियर स्टाफ को ही पता होती है और वो ही कर सकते हैं। नए स्टाफ को हम कितना भी ट्रेन करें बट फिर भी कभी कभी सीनियर स्टाफ से ही कुछ काम हो सकते हैं, तो ऐसे में उनको दौड़ना पड़ता है। आमिर तो आज गाने ही गाता रहा है है ना, वहाँ बिलिंग के टाइम पे भी गाने ही गाता था वो। आमिर बहुत हैप्पी हो जाता है, घर से बाहर निकलने को मिलता है, भले ही चाहे हम शॉपिंग के लिए जाए, देखो अभी भी गाने चालू है उसके। बहुत ही बढ़िया गा रहा है गाना। काफी टाइम के बाद आप लोगों को आमिर का गाना सुनने को मिला है। देखो घर से आते ही चॉकलेट पूरा पैकेट खाली करने का स्टार्ट कर दिया है, और अब ये खाते में भी है और मुंह में भी है, हैं आमिर? कितने चॉकलेट खानी है, खोल दूँ? हाँ खोलो। नहीं खोलनी है ना, ना अच्छा ठीक है चल देती हूँ। तो पैकेट्स में थे मेरे सारी चॉकलेट छुपा दी, पहले मैं उसे तोड़ दे देती थी। तो पैकेट्स में से मैंने सारी चॉकलेट छुपा दी है, और उसमें 2 ही चॉकलेट रखकर उसको दिया था पूरा पैकेट, ताकि वो बाद में मुझे परेशान कम करे और चॉकलेट चले कुछ दिन तक। अभी अर्पित आ गए हैं नौकरी से और हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। पहले मैं आमिन को बिठा देती हूँ, अर्पित ने गाड़ी चालू ही रखी है। आइए आमिन, तो खुशी हो जाता है बाहर निकलने को मिलता है ना, तो आमिन खुश हो जाता है ना। आमिन तो टॉयज लेके बैठा है, घर में भी टॉयज लेने का और बाहर निकलता है तो अभी सबसे पहले टॉयज हाथ में पकड़ने का उसको। चलो तो फिर अभी हम लोग निकलते हैं शॉपिंग के लिए, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। अभी जल्दी जल्दी में हम लोगों ने जो शॉपिंग करी थी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बाकी रह गई थी, तो अर्पित आ गए हैं नौकरी से, तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। और अर्पित कैसा रहा आपका कॉल? अच्छा रहा, आधे पौने घंटे का ही काम था तो फटाफट काम खत्म कर दिया। हाँ और वापस आ गया, फिर सोचा कि चलो शॉपिंग करते हैं, वहाँ खत्म कर देते हैं ये हफ्ते की। हाँ तो अभी जा रहे हैं हम दूसरी शॉप, उसका नाम है अल्दी। अल्दी राइट, हाँ वो जो अभी हम लोग बुलवर्स में गए थे, अब जाएंगे हम अल्दी में। ज्यादातर अर्पित ना आइसक्रीम अल्दी से ही लेते हैं ना। हाँ आपको आइसक्रीम वहाँ की ही पसंद है ज्यादा, कि वहाँ की आइसक्रीम अच्छी भी होती है और चीप भी होती है। अल्दी को यहाँ की हाँ सबसे प्राइस वाइज में बहुत ही अच्छी है, क्योंकि उनका ये है कि अगर ट्रॉली चाहिए तो वो सिक्का डाल के ट्रॉली निकालनी है, तो वो वहाँ पे पैसे बचाते हैं। फिर जो चीज़ें वो लेते हैं वो ऐसी कंपनियों से लेते हैं कि जिनकी क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस सबसे बढ़िया हो। तो वैसे वो कहते हैं कि अगर आप दूसरी जगह पे शॉप करो तो इतने पैसे, और अल्दी में करो तो इतने पैसे बचते हैं। तो हम कई चीज़ें लाते हैं, अल्दी से लाते हैं, कई चीज़ें लाते हैं, वूलवर्थ से लाते हैं। हम ज़्यादातर तो सारी चीज़ें हम लोग वूलवर्थ से ही लेते हैं, एल्दी से तो आइसक्रीम लेते हैं और एक दो सब्जियाँ ऐसा कुछ अलग अलग होता है कुछ तो वो ले लेते हैं। ये जो
जो शॉप है ये इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी है कि कई देशों में इनकी शॉप है। मैं जब अमेरिका गया था वहाँ पे भी है, तो अगर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में है तो कई देशों में होगी, बाकी कौन से देश में हो मुझे नहीं पता है। आमिन गाना गा रहा है। देखो यहाँ पे सिक्का डालना होता है तब ये ट्रॉली निकलती है। जब ये वापस ट्रॉली हम रखेंगे तो वापस वो सिक्का आ जाएगा हमारे पास, है ना अर्पित? ऐसा है ना? तो यहाँ पे सब सारी ट्रॉली में ऐसा है। यहाँ पर सब तरीके के फल वगैरह होता है। सारे सलाद है, टमाटर टमाटर जो ना अपन ने चम्मच। हाँ ले लो। रामेन को देखो। अरे बिना मत भी ले ले फल गुनिया। कयो? मत भी ऐसा है दूध। ओके। और हम लेते हैं ये वाला दूध। ये वाला दूध? क्यों? ये सब पे मॉर्निंग जब तो पिज्जा बनाएंगे ना। अब कितनी बार कैप्सिकम लेके फेंका है? पिज्जा बनाने के लिए हम लोग लेते हैं कैप्सिकम, तभी पिज्जा नहीं बनता है, है ना अर्पित? हाँ मैंने शॉपिंग करनी स्टार्ट कर दी है। हाँ अब आती काढ़ू आप ले, बस ये मुको। हाँ बस। हाँ अजी बीजू सुले हो छे, उसे ही सारी शॉपिंग कर लेनी है अर्पित, हमको तो करनी ही नहीं है। हाँ ले ले, चल ले ले, सुले हो छे ले ले, जे जुए थे ले ले, बस पापा कहता रहे। हाँ तो पे तू ही चल। એ તો અત્યારે જ ખોલીને આપો એવું ના કે બાપરે, જોજે ને અત્યારે જ ખોલી આપો। આમાં મૂકો, આમાં 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 મૂકો, આમાં મૂકો, આમાં બંધ કર્યું જો મૂકો। આમાં ડાયો છોકરો કેટલો ડાયો છે આમે ને તું। यहाँ पे ऐसी जनरल चीज़ें भी होती है जो घर के लिए ज़रूरत होती है, ऐसी भी होती है, बर्तन कपड़े कुछ भी, मतलब यहाँ पे हर तरीके की चीज़ें होती है। अभी आमिन रो रहा था तो उसके पापा ने उसको कोको मेलन चालू करके दे दिया है। आमिन शायद नींद में आया है इसलिए वो थोड़ा रो रहा है। यहाँ पर भी बनी है, बहुत ही मस्त तरीके के बनी है। यहाँ पर भी ऐसी चॉकलेट आती है ये तो, और ये है ईस्टर एग, बहुत ही अच्छे है ये वाले एग। ये सारे ईस्टर एग के हैं। यहाँ पर देखो फॉर ईस्टर बनी, ये रहे हॉट क्रॉस बन, सबके फेवरेट हॉट क्रॉस बन। तो फ्रोजन आइटम्स भी बहुत सारी होती है हर तरीके की, मतलब ये शॉप ऐसी है कि यहाँ पर हर तरीके की चीज़ें अवेलेबल है, आपको कुछ भी लेना हो यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पर ड्रायर तक मिल रहे हैं, पंखे भी है, कोई चीज़ बाकी नहीं है यहाँ पे, हर चीज़ है। आइसक्रीम भी बहुत सारी तरीके के, बहुत ही फ्लेवर के यहाँ पर है अवेलेबल, आप देख सकते हो। आइसक्रीम का तो क्या कहना है यहाँ पर। आमिन तो कोको मिलन देखने के बाद थोड़ा शांत हो गया है, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा ये पूरा शॉप बता दूं, तो इसलिए मैं आपको ये शॉप दिखा रही थी। अगर आमिन क्या है कि वो थोड़ा थक गया है, नींद में आ गया, क्योंकि ऑलरेडी हम एक शॉप में तो इतना घूम कर आए थे तो वहाँ पर ऑलरेडी वो बहुत ही उसने वॉक कर लिया था इसकी वजह से। तो अभी आपको ये शॉप भी दिखा रही हूँ, साथ साथ मैं आमिन की बात भी कर रही हूँ, दोनों चीज़ें हो रही है। अर्पित पहुँच गए बिलिंग तक, शायद मैं दिखा देती हूँ आपको कि अर्पित बिलिंग तक आ गए हैं यहाँ पर। Thank you.
यहाँ पर ऐसा सेपरेटर रख देते हैं, जैसे कि इनका सामान यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो ये रखा है, उसके बाद हमारा है, हमारा सामान ख़त्म होने के बाद ये इनका आया है। तो यहाँ पर बिलिंग जब करते हैं तो तब वहाँ पर पहुँच जाता है सामान इस तरीके से। हमारी चीज़ों का टर्न आ गया है, अभी ऐसे बिलिंग हो रहा है। यहाँ पर ये जो रोलर्स होते हैं उससे सामान आसानी से सड़क कर आ जाता है। ये बढ़िया सीमेंट फिनिशिंग वाली कार देखी मैंने, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। देखो कितनी बढ़िया लग रही है ना, मैट फिनिशिंग ब्लैक कलर का है पूरा। अभी सारी चीज़ें हमने अनलोड कर दी है कार में, और अभी ये ट्रॉली को वापस रखने जाते हैं हम, तो आपको दिखा भी देते हैं वो पॉइंट कैसे रिमूव करना होता है। हमने जो वाली ट्रॉली ली होती है उसी जगह पर उसको वापस रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट तीन तरीके की ट्रॉली है। एक ऐसी वाली है हैंडीकैप के लिए, ये छोटे बच्चों के लिए, और ये बड़ों के लिए। देखो अर्पित यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये लॉक करेंगे तो यहाँ से ये बाहर आएगा। पेरेंट्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए नहीं। हाँ तो बट वो छोटे बच्चों वाले दोनों ट्रॉलियां, ये दोनों ट्रॉलियां बड़े लोगों के लिए ही है सारी ट्रॉलियां, ये पेरेंट्स की बच्चा। जल्दी जल्दी बोलने में कुछ चीजें इधर उधर हो जाती है, बट मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही स्मार्ट है, वो समझ जाते हैं मैं क्या बताना चाहती हूँ उनको, है ना, इसके जैसा स्मार्ट। देखो उसके पापा के पीछे पीछे जा रहा है वो। तो हमारी एलडी की शॉपिंग आज हो गई है ख़त्म अभी, और हम लोग अभी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अर्पित? खाना लेने। मुझे आमिन को देखना पड़ रहा है इसलिए मैं उसके पीछे देख। हाँ कैसे अंदर? आमिन चढ़ नहीं पा रहा है, अर्पित वो चढ़ने का ट्राई कर रहा है ना, तो लाओ मैं चढ़ाती हूँ। आजा। अब अपनी सीट में बैठ जा। यहाँ पर क्या होता है कि बाजू में कार होती है ना, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए इस तरफ कोई कार नहीं है, इसलिए हम लोग इस तरफ से आए हैं ना अर्पित। इसको आज दूसरी साइड से गाड़ी में बिठाया ना, तो इसको भी सीट के अंदर जाना कैसे बैठना है वो पता नहीं चल रहा है। आमिन देख, मुझे भी नहीं पा रहा है अर्पित इस तरफ। मुझे भी नहीं पा रहा है और उसे भी नहीं पा रहा है, क्योंकि वो आदत पड़ गई है ना उस तरफ से बैठने की। अर्पित ने मेरे लिए ये कैटलॉग भी लिया है, आपने देखा ही होगा वहाँ पर से ही उनको दिया है। तो अर्पित मुझे बोल रहे हैं देख अभी तुझे नेक्स्ट शॉपिंग क्या करनी है चेक कर ले बराबर। क्योंकि इसमें क्या होता है कि नेक्स्ट वीक क्या आने वाला है, कितनी प्राइस का होगा और क्या, मतलब सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। और कौन सी चीज स्पेशल में होती है, कौन सी चीज डिस्काउंट में मिलती है, वो भी इसमें होता है। हाँ तो वो भी सब होता है, तो उसकी वजह से अर्पित मुझे बोल रहे हैं देख तू चेक कर ले कैटलॉग में तुझे क्या नेक्स्ट शॉपिंग करनी है। अभी शॉपिंग के बाद चल रही है धमाल मस्ती, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये देखो ओ बड़ा तू, ओ बड़ा, ओ बड़ा तू, ओ बड़ा, आइजा आइजा तू बाजू ने है ना, अरे मैं क्यों मारे नहीं सो। ओ मेरे पास आ गया। चल वन मोर अभी हम लोग घर को आ गए हैं, और हमको इधर उधर टहलने भी थोड़ा जाएंगे, धूप आ रही है आँखों में, शाम को थोड़ा वॉक करने के लिए भी जाएंगे, यही अभी का प्लानिंग है। और मैं इसी के ही साथ यहाँ पर करती हूँ व्लॉग का एंड। आई होप आपको बहुत ही मजा आया होगा व्लॉग में, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और कल मिलते हैं फिर नए व्लॉग में।